नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। नर्मदा जिले में बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण के बीच केवड़िया कॉलोनी में लगा मेला। मेले में बड़ी संख्या में बिना मास्क के घूमते हुए आए लोग नजर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। नहीं हो रहा कोविड गाइडलाइन का पालन। गुजरात नर्मदा से शंकर भाई के साथ गौतम व्यास की एक रिपोर्ट। नर्मदा जिले में दिन प्रतिदिन कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर प्रशासन तंत्र भी इसी केस को रोकने के लिए हरकत में आ गया है। इस वक्त हम यहाँ पर केवड़िया कॉलोनी नज़दीक विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उपस्थित है। आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में प्रवासी देखने को मिलते हैं। हालांकि देखा जाए तो अभी पूरे विश्व में कोरोना का कहर मचा हुआ है और गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में भी दिन प्रतिदिन कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। सबसे महत्व की बात तो ये है कि यहाँ पर प्रशासन तंत्र जो है और अपनी गुजरात सरकार जो है वह इस कोरोना को रोकने के लिए कई सारी गाइडलाइनें अपना रही है। हालांकि देखा जाए तो गुजरात सरकार ने भी इसी केस को बढ़ते हुए रोकने के लिए काफ़ी अच्छे निर्णय लिए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर देखा जाए तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास दिन प्रतिदिन प्रवासियों की संख्या भी हजारों की तादाद में बढ़ती जा रही है और यहाँ पर देखा जाए तो कुछ प्रवासी ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने मुंह पर मास्क भी नहीं पहने हैं। हालांकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का तो पालन देखने को मिलता ही नहीं है। गुजरात सरकार बढ़ते हुए कोरोना केस को रोकने के लिए कई सारे कदम उठा रही है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो स्थानिक प्रशासन तंत्र द्वारा यहाँ पर कुछ ना कुछ बेदरकारी की जा रही हो ऐसा यहाँ पर देखने को मिला है। अब हम आपको एक दूसरी जगह पर ले जाएंगे और वहाँ का नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे। जी, इस वक्त हम यहाँ पर केवड़िया कॉलोनी में उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर मेला लगा हुआ है। आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर ये केवड़िया कॉलोनी में रविवार का जो मेला लग रहा है वही का सीन है, जहाँ पर कई बड़ी संख्या में कई सारे लोग यहाँ पर मेले में खरीदी करने के लिए आ रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो अभी गुजरात राज्य के सहित नर्मदा जिले में भी कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और इसी बढ़ते हुए केस को रोकने के लिए गुजरात सरकार ने भी कई सारे निर्णय लिए हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर स्थानीय प्रशासन तंत्र द्वारा कोई ना कोई कमी यहाँ पर दिखने को मिली है। जी, इस वक्त यहाँ पर जो भी लोग मेले में घूमने के लिए आ रहे हैं आप वीडियो में देख सकते हो, ना ही वो सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और ना ही उन लोगों ने मुंह पर मास्क लगाया है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर नर्मदा ज़िले में अभी भी कोरोना के केस की संख्या बढ़कर 24 हो चुकी है और यहाँ पर स्थानिक लोगों द्वारा अगर कोरोना को रोकने के लिए योग्य तकेदारी नहीं ली जाएगी तो ये केस की जो संख्या है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर स्थानिक पुलिस भी लोगों को समझा रही है कोरोना के सामने और लोगों को जागरूक कर रही है कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क का भी उपयोग करें। इसके बावजूद भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जगह पर लोगों द्वारा कुछ ना कुछ बेदरकारियाँ यहाँ पर देखने को मिली है। वैसे देखा जाए तो गुजरात सरकार भी बढ़ते हुए कोरोना केस को रोकने के लिए कई सारे निर्णय ले रही है और उन्होंने अभी तक अच्छे अच्छे निर्णय भी लिए हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर स्थानिक लोगों द्वारा कुछ ना कुछ यहाँ पर बेदरकारियाँ की जा रही हो ऐसा यहाँ पर देखने को मिला है। वैसे देखा जाए तो स्थानिक प्रशासन तंत्र भी यहाँ पर जागरूक नहीं है ऐसा हमको लग रहा है। नर्मदा जिले में भी बढ़ते हुए केस को लेकर जिला प्रभारी सचिव ने भी राजपीला की कोविड अस्पताल की भी मुलाकात ली थी और उनके अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर कई सारे साधन और उपकरणों की मुलाकात भी ली थी और एक समीक्षा बैठक भी कोरोना के बढ़ते हुए केस नर्मदा जिले में रोकने के लिए बैठक भी की गई थी। उसके बावजूद भी यहाँ पर देखा जाए तो कुछ ना कुछ बेदरकारियाँ यहाँ पर स्थानिक प्रशासन तंत्र द्वारा देखने को मिली है। अब देखना यह रहा कि केवड़िया कॉलोनी में ये जो मेला जो लगा हुआ है उस पर स्थानिक प्रशासन तंत्र द्वारा और जिला आरोग्य तंत्र द्वारा इस मेले पर रोक लगाई जाती है या नहीं। कैमरामैन शंकर तरवी के साथ गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा।